समस्या एक ये बिल्डिंग छोड़नी है या फिर रखनी है, पेमेंट कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली जो मीटिंग थी उसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझाया था आपके लिए, आज की इस मीटिंग में एक और मेथड होगा नया जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब सही आएगा सोनम, उसका आंसर बिल्कुल सही है। वो नेक्स्ट मेथड रहेगा गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड, तो मेथड वेथड कुछ नहीं, आप सीधे इसमें क्वेश्चंस ही समझेंगे। ये है एग्जांपल सेवन्थ, आपसे कहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। इसमें इक्वेशन दे रखे हैं टेन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स वन प्लस टेन एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टेन एक्स थ्री इक्वल टू ट्वेल्व। ओके, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है गॉस जॉर्डन में देखिए, आप ए एक्स इज इक्वल टू बी, ट्वेल्थ क्लास में ए एक्स इक्वल टू बी जो इक्वेशन हुआ करता था, यहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सॉल्व करके निकाला करते थे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू। तो सेम यहां भी इसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा, पर थोड़ा सा अलग इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में अगर लिखें हम यहां, तो इसको इसकी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो बनेगी ए बी और इस बॉक्स के द्वारा डिनोट करोगे। ए का मतलब है यहाँ मैट्रिक्स, ए का मतलब है यहाँ टेन वन 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 टेन वन 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 टेन, और ये बन जाएगा अपना ट्वेल्व ओके। लेकिन इसको लिखोगे इस तरह से नहीं,
इस तरह से डिनोट करोगे। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ ये जो 10 10 10 है इसको यूनिट मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना वो 10 1 1 1 10 1 1 1 10 इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 0 0 होना चाहिए, यहाँ 0 1 0 होना चाहिए, ये 0 0 1 होना चाहिए। तो आप इसमें जो ऑपरेशन हुआ करते थे उन ऑपरेशंस का यूज करोगे और उस ऑपरेशंस की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको करेंगे क्या कि इसमें यहाँ 1 बनाए 10 को, 10 को 1 बनाना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। रो 1 को आपको लिखना है रो 1 इक्वल टू 1/10 रो 1, यानी आर 1 को रिप्लेस करना है आर 1, आर 1 को क्या 10 से डिवाइड करते हुए लिखना है। तो यहाँ लिखोगे इसको आर 1 को 10 से डिवाइड करते हुए तो ये 1 आएगा, ये 1/10 होगा, यहाँ भी 1/10 होगा और ये 12/10 बनेगा, साथ में 1 10 1 12 1 1 10 और ये 12। ओके, आपको यहाँ 1 रखना है, ये 0 0 बनाने दोनों, तो इनको 0 बनाने के लिए ये रो 1 है, जिस रो में 0 बनाना है आर 2 की जगह 0 बनाना है ना, ये आर 2 है ना, R2 के लिए 0 बनाना है तो R2 में से R1 को माइनस करो, ऐसे ही R3 के लिए 0 बनाना है तो R3 में से R1 को 0 करो, माइनस करना है, R2 को 0 बनाना है तो R2 में से R1 माइनस करो, R3 के लिए R3 में से R1 माइनस करें। ये देखेंगे यहाँ फर्स्ट वाली रो है ना, रो 1 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, R2 और R3 में चेंजिंग कर रहे हैं हम, तो ये रो 1 तो यूं ही रहेगा 1 1/10 और ये भी 1/10, यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 10 -1/10 करेंगे, 10 -1/10 करोगे, 1/10 करोगे तो 100 -1 यानी 99/10, ऐसे ही यहाँ 1 -1/10 करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ 9/10। ओके, और देखिए 1 -1 करोगे 0, 1 -1/10 करेंगे तो ये आएगा 9/10, 10 -1/10 करेंगे तो ये बनेगा 99/10। और ये वैल्यू बन जाएगी 12 -12/10 करोगे, 12 -12/10 या तो आप 12/10 को आप 6/5 से रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 6/5 भी लिख सकते हो, यहाँ 6/5। ओके, 12 -6/5 करें, 12 -6/5 तो ये बन जाएगा 60 -60 -6 तो ये बन जाएगा 54/5, यहाँ वैल्यू रहेगी ये 54/5। सेम 12 -6/5 करेंगे, सॉरी स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, रो 1 में तो कोई भी चेंजिंग नहीं है, 6/5 ही रहेगा यहाँ तो, और ये वैल्यू आएगी 12 -6/5 करेंगे तो रो 2 की वैल्यू आएगी ये 54/5। सेम 12 -6/5 करेंगे तो ये बनेगा 54/5। ओके, ये दोनों ही टर्म 0 बन गई। अब हमें यहाँ क्या है 1 बनाना है, यहाँ क्या करना होगा 1 बनाना होगा, और 1 बनाने के लिए आप यानी R2 की जगह 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है और इन दोनों जगह क्या है हमें 0 बनानी है, ये 1 0 0 हो गया, यहाँ 0 1 0 लाना है, यहाँ 0 0 1 लाना है। ओके, नेक्स्ट अब 99/10 जो लिखा हुआ है इस जगह अगर आप 1 बनाओगे तो आप इसमें एक ऑपरेशन यूज में लेंगे, R2 है ये, R2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 99/10 है तो 10/99 से। ओके,
तो ये वैल्यू बनेगी 100 रो वन में कोई चेंजिंग नहीं है, रो थ्री में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ओनली रो टू में चेंजिंग हो रहा है। ये 1/10, 1/10, 6/5, 1/10, 1/10, 6/5। नेक्स्ट ये जीरो, इसमें क्या है, 10/99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बनेगा, यहाँ वन हो जाएगा, 0 1, और यहाँ 10/99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ऊपर रहेगा, 10 से 10 कैंसिल, 9/99 तो 1/11 रहेगा, 1/11। यहाँ भी 10/99 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 54/5 को मल्टीप्लाई करना है 10/99 से, ये 2 टाइम कैंसिल, 108 बना 99, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 33, और ये बनेगा 36, 3 से अगेन डिवाइड करोगे 12/11। नेक्स्ट ये जो R3 है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 9/10, 99/10, 54/5। ओके, ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आपको 1/10 और 9/10 के लिए जीरो बनाना होगा, तो आप इस रो वन में चेंजिंग करेंगे। रो वन में चेंजिंग करने के लिए क्या है कि आपको 1/10 या ये कहें रो वन में चेंजिंग करना है, तो रो वन में से रो टू माइनस करें, लेकिन रो टू ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे आप, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करें, 1/10 से रो टू में मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करें। दोबारा समझेंगे, रो टू में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर वन में से इसको माइनस करोगी, तो ये फॉर्म बन जाएंगी कुछ। आप देखेंगे यहाँ आर टू की जगह जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया, तो आर वन के इक्वल होगा, यानी आप यहाँ वैल्यू रख सकते हो, आर वन की वैल्यू है अपने पास 1, माइनस आर टू की वैल्यू 0, तो ये आर वन की जो वैल्यू बनी वो बनी आएगी, क्योंकि 1 - 0 1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर वन की वैल्यू है अपने पास 1/10 माइनस 1/10 इंटू आर टू, आर टू की वैल्यू अपने पास यहाँ 1, तो 1/10 में से 1/10 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट आर वन की वैल्यू अपने पास 1/10 माइनस 1/10 इंटू आर टू, आर टू की वैल्यू है यहाँ अपने पास 1/11, दोनों में से ये 1/10 कॉमन लेंगे तो 1 - 1/11 आएगा, ये 11 - 1 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 1/11 आया है, 1/11। अभी इस टर्म को भी कैलकुलेट करें, अभी आर वन को ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आर वन को, आर वन माइनस 1/10 आर टू। नेक्स्ट देखिए ये आर वन है, आर वन की वैल्यू 6/5 माइनस 1/10 आर टू, आर टू की वैल्यू है यहाँ 6/5। ओके, इसमें से आप 6/5 दोनों में से कॉमन लें, सॉरी आर टू की वैल्यू है ये 12/11, आर वन की वैल्यू है 6/5 माइनस 1/10 आर टू, आर टू की वैल्यू 12/11, इसमें से कॉमन लें 6/5 को, 6/5 कॉमन लेंगे तो 1 - 5 ये बनेगा 22,
सिक्स कॉमन लिया टू, टू से ये इलेवन टाइम वन अपॉन इलेवन यानी सिक्स अपॉन फाइव इंटू इलेवन माइनस वन यानी टेन अपॉन इलेवन, फाइव से ये टू टू टाइम तो ट्वेल्व अपॉन इलेवन आएगी ये वैल्यू, ट्वेल्व अपॉन इलेवन। ओके नेक्स्ट रो वन को आपने जीरो बना लिया, रो टू में आपको यहाँ वन चाहिए था, वन आप बना चुके हैं पहले ही, रो टू को ऐसे ही लिखोगे जीरो वन वन अपॉन इलेवन और ट्वेल्व अपॉन इलेवन। अभी आपको यहाँ नाइन अपॉन टेन को, यहाँ जो नाइन अपॉन टेन है इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाना है यानी आर थ्री है ना, आर थ्री इस आर थ्री को आप लिखोगे नाइन अपॉन टेन है ये, तो यानी आर थ्री माइनस, अगर हम यहाँ नाइन अपॉन टेन से मल्टीप्लाई करें आर टू में, नाइन अपॉन टेन से आर टू में मल्टीप्लाई करते हुए माइनस कर दें। ओके ये कैलकुलेशन बनेगी आर थ्री माइनस नाइन अपॉन टेन आर टू, आर थ्री की वैल्यू देखोगे आप यहाँ जीरो है तो आप जीरो लिखोगे आर थ्री की वैल्यू, सॉरी ये तो जीरो ही है लिखने की जरूरत भी नहीं है, आर थ्री की वैल्यू भी जीरो आर टू की भी वैल्यू जीरो है, यानी ये फर्स्ट वाली रो तो पहले ही सॉल्व हो चुकी थी, आर टू आर थ्री दोनों जीरो हैं, जीरो माइनस जीरो करोगे तो जीरो आएगा ना आर थ्री। नेक्स्ट आर थ्री की वैल्यू यहाँ नाइन अपॉन टेन, तो ये लिखोगे आप नाइन बाई टेन माइनस नाइन अपॉन टेन इंटू आर टू, आर टू की वैल्यू वन है तो नाइन बाई टेन में से नाइन बाई टेन माइनस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, आप देखोगे वन जीरो जीरो हो गया, जीरो वन जीरो हो गया। ओके नेक्स्ट इसके लिए सॉल्व करें दोनों के लिए, तो आर थ्री की वैल्यू नाइन्टी नाइन अपॉन टेन माइनस नाइन बाई टेन इंटू वन अपॉन इलेवन, तो आप देखोगे यहाँ नाइन अपॉन टेन को कॉमन लें, नाइन अपॉन टेन कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा नाइन, नाइन अपॉन टेन कॉमन लेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा इलेवन माइनस वन अपॉन में इलेवन, तो ये बन जाएगा नाइन अपॉन टेन इंटू वन ट्वेंटी वन माइनस वन, तो वन ट्वेंटी अपॉन में इलेवन, जीरो कैंसिल हो जाएगा, वन हंड्रेड एट अपॉन इलेवन बनेगा ये, वन हंड्रेड एट अपॉन इलेवन। नेक्स्ट ये भी टर्म कैलकुलेट की जाए तो ये आर थ्री की वैल्यू अपने पास फिफ्टी फोर अपॉन फाइव माइनस नाइन बाई टेन इंटू आर टू, आर टू की वैल्यू है अपने पास यहाँ ट्वेल्व बाई इलेवन, इसमें से भी आप अगर कॉमन लें तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा नाइन कॉमन लें, ऊपर से नीचे से फाइव भी कॉमन लें तो यहाँ सिक्स बनेगा माइनस, अभी क्या है ऊपर से सिक्स को भी कॉमन ले सकते थे, नाइन कॉमन लिया तो सिक्स बचता, सिक्स को भी कॉमन लें दोनों में से, यहाँ से सिक्स को भी कॉमन लें तो यानी फिफ्टी फोर को ही कॉमन ले लिया हमने, तो ये बना यहाँ वन माइनस नाइन और सिक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ रहेगा टू अपॉन यहाँ टेन में से फाइव को कॉमन लिया टू, यहाँ रहेगा अपॉन में इलेवन, तो ये 22 बनेगा यानी 1 अपॉन 11, 1 माइनस 1 अपॉन 11 मीन्स 10 अपॉन 11 यानी 9 अपॉन 5 इंटू 6 इंटू यानी ये बना 10 अपॉन 11, 10 अपॉन 11 तो ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये बन जाएगा 108 अपॉन 11 ही बनेगा ये भी 108 अपॉन 11। ओके ये दोनों वैल्यू क्या है सेम आ जाएंगी अपनी, ओके नेक्स्ट देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, ये वन जीरो 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 वन जीरो यहां जीरो जीरो वन बनाना है, जीरो जीरो वन,
यहाँ आर थ्री है ना, तो आपने क्या है कि जीरो बनाया था इस जगह, तो जीरो बनाया था यहाँ, तो यहाँ आर टू में 9/10 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा था, ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये ऑपरेशन था यहाँ। नेक्स्ट देखिए, आपको अब इसको वन से रिप्लेस करना है, वन से रिप्लेस करने के लिए आप आर थ्री को लिख सकते हो, आर थ्री को लिख सकते हो 11/108 आर थ्री, ओके, देन 100 010। अब देखो 11/108 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ भी करोगे तो ये भी वन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट 1/11 और ये 1/11 और ये है 12/11, ओके। अब हमें इन दोनों टर्म को 0-0 बनाना है, इनको 0 बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0 केवल और केवल इन दोनों टर्म के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ 0 बनाना है, आर वन के लिए 0 बनाना है, तो आर वन के लिए लिखोगे आर वन माइनस ये जो रो थ्री है ना, इस रो थ्री में आपको 1/11 से मल्टीप्लाई करना है, 1/11 आप जैसे ही यहाँ 1/11 से करोगे और इस आर वन में से इसको माइनस करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ओके। सेम यहाँ भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, आर टू के लिए भी लिखोगे तो ये बनेगा आर टू माइनस 1/11 आर टू, तो ये भी यहाँ 0 आ जाएगा और ये 1 रहेगा, लेकिन इन टर्म्स को देखेंगे आप 12/11 माइनस 1/11 इंटू आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू 1 है, 12/11 माइनस 1/11 करेंगे तो 12 माइनस एलसीएम तो 11 रहेगा, 12 माइनस 1 11, 11/11 क्या आएगा, ये 1। सेम यहाँ भी 1 ही आएगा और ये भी टर्म है 1, ओके। ये जो डिटरमिनेंट बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लास्ट में 1 1 1 बना हुआ है, ये वैल्यू बनी हुई है 1 1 1, यही आपको x1 x2 x3 की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, देन x1 x2 x3 ये x1 की वैल्यू होगी, ये x2 की, x3 की, x1 = 1, x2 = 1 एंड x3 = 1, ओके। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा, आप अभी इस क्लास को रिजॉइन करेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट इस क्लास को रिजॉइन करेंगे, हाँ एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ले लें, सभी जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है इसका स्क्रीनशॉट लें।